हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पर, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 15.1 टैबलेट्स, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। देखिए, देख लेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स, देन टाइप ऑफ टैबलेट्स देख लेंगे एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट देख लेंगे। ना देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैबलेट क्या होती है। देखिए, टैबलेट्स टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स, यूजुअली सर्कुलर इन शेप एंड मे बी फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स। तो क्या होती है, देखिए टैबलेट जो है वो कंप्रेस सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं, जिसमें मेडिकामेंट या तो एक या उससे ज़्यादा मेडिकामेंट्स होती हैं, और यूजुअली ये जो है सर्कुलर शेप की होती है, बट ये फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स शेप की भी हो सकती है। देखिए, दूसरी डेफिनेशन क्या है, देखिए टैबलेट इज डिफाइंड एज कंप्रेस सॉलिड डोसेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स विद और विदाउट एक्सीपिएंट्स। तो ये ऐसी सॉलिड डोसेज फॉर्म होती हैं जो कि जिनमें मेडिकामेंट होती हैं, जो एक्टिव मेडिकेशन होती है वो सिंगल भी हो सकती है और विद एक्सीपिएंट्स भी हो सकती है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है देखिए टैबलेट्स की। फिर देखिए, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स डिशेज यूनिट डोसेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाई कंप्रेसिंग अ ड्रग और अ मिक्सचर ऑफ ड्रग विद और विदाउट डाइल्यूएंट। तो देखिए, अलग अलग डेफिनेशन बताई गई हैं आपको इसमें टैबलेट्स की, तो इसमें से कोई भी आप याद रख सकते हैं। इसमें हर डेफिनेशन में यही बताया गया है कि ये एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है, फ्लैट या बाइकॉन्वेक्स शेप की होती है, जिसमें मेडिकामेंट जो ड्रग जो है उनको कंप्रेस किया जाता है विद या विदाउट डाइल्यूएंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है डाइल्यूएंट्स को ऐड किया जाता है बिकॉज स्टेबिलिटी बढ़ती है टैबलेट की। तो ये भी डेफिनेशन थी देखिए टैबलेट्स की। देन इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म एंड 70% ऑफ द टोटल मेडिसिन आर डिस्पेंस्ड इन अ फॉर्म ऑफ टैबलेट। तो ये मोस्ट पॉपुलर डोसेज फॉर्म है, 70% ऑफ द टोटल मेडिसिन है देखिए जो कि टैबलेट की फॉर्म में डिस्पेंस होती है। सो नेक्स्ट ना देखिए, देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट। तो सबसे पहले देखिए, दे आर द यूनिट डोसेज फॉर्म एंड ऑफर द ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटीज ऑफ ऑल ओरल डोसेज फॉर्म्स फॉर द ग्रेटेस्ट डोज प्रिसीजन एंड द लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी। तो इस देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि ये एक तरह के देखिए यूनिट डोसेज फॉर्म है, जो कि अगर हम सारी ही डोसेज फॉर्म से देखें, ओरल डोसेज फॉर्म जिसमें हमारी सीरप्स आ जाती हैं, तो उनमें क्या होता है देखिए, अगर पेशेंट जो है वो बॉटल को शेक नहीं करता तो डोज जो है वो वेरी कर सकती है। बट इसमें क्या होता है, ये ऐसी ओरल डोसेज फॉर्म है जिसमें डोज प्रिसीजन को मेंटेन रखना ईजी होता है बिकॉज हर टैबलेट में एक स्पेसिफिक डोज दी जाती है और वो पेशेंट इजिली ले सकता है। तो डोज प्रिसीजन को मेंटेन करना इजी होता है टैबलेट डोसेज फॉर्म में विद लीस्ट कंटेंट वेरिएबिलिटी के चांसेस इसमें लेस होते हैं। तो दैट इज़ वाई ये बेस्ट होती है एक तरह से देखा जाए ओरल डोसेज फॉर्म में अगर। देन फिर क्या है, देखिए कॉस्ट इज लोअर ऑफ ऑल ओरल डोसेज फॉर्म, इसकी कॉस्ट जो है वो लोएस्ट होती है। देन लाइटर एंड कॉम्पैक्ट होती है ये। देन ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट टू पैकेज एंड स्ट्रिप, तो ईजिएस्ट एंड चीपेस्ट होती है इसको पैकेज करना, और इसकी स्ट्रिप्स जो होती हैं वो भी चीप होती हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर डोसेज ओरल डोसेज फॉर्म्स। देन ईजी टू स्वालो, तो देखिए इसमें भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, ओल्ड एज पेशेंट एंड चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है टैबलेट को स्वालो करना, बट और जो जैसे टीनेजर्स होते हैं, अडल्ट होते हैं, मिडल एज पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए ईजी होता है इसको स्वालो करना। तो ये कुछ एडवांटेजेस थी देखिए टैबलेट्स की। तो कुछ और एडवांटेजेस देखिए टैबलेट्स की क्या क्या होती हैं। सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल बाय एंटेरिक कोटिंग, तो इसमें इस टैबलेट के फॉर्म में सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट जो है वो भी दिए जा सकते हैं एंटेरिक कोट करके उसको। देन ऑब्जेक्शनेबल ओडर एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क बाय कोटिंग टेक्निक्स, तो ये सारी टेक्निक्स हम अपने आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ऑब्जेक्शनेबल ओडर और बिटर टेस्ट जो है वो भी मास्क किया जा सकता है ताकि पेशेंट जो है टैबलेट्स को ईजिली ले सके। देन सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सुटेबल होती है।
है, ग्रेटेस्ट केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ओवर ऑल ओरल डोसेज फॉर्म्स. तो केमिकल और माइक्रोबियल स्टेबिलिटी जो है इसमें ज़्यादा होती है, माइक्रोबियल स्टेबिलिटी बिकॉज इसमें वाटर जो है उसका मिनिमल यूज़ किया जाता है, कम से कम या ना के बराबर यूज़ किया जाता है, तो माइक्रोबियल स्टेबिलिटी होती है. एंड केमिकल स्टेबिलिटी भी होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर डोसेज फॉर्म्स. देन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन इज ईजी एंड रैपिड, रिक्वायरिंग नो एडिशनल स्टेप वेन एम्प्लॉइंग एन एम्बॉस्ड और मोनोग्राम पंच फेज. तो इसमें देखिए बताया गया है कि जो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है इसमें टैबलेट के केस में वो ईजी एंड रैपिड होता है. और इसमें क्या है देखिए, ये टैबलेट जो है इसके सरफेस पे देखिए ये मोनोग्राम पंच्ड किए जाते हैं, तो जिससे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो पाए. काफ़ी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी या इसको एक नाइस लुक देने के लिए भी मोनोग्राम जो है उसको उस पर पंच किए जाते हैं. तो इस तरह के मोनोग्राम पंच करने में किसी भी तरह के एडिशनल स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही ईजी स्टेप होता है जिससे, क्योंकि टैबलेट जो है वो बहुत ही ईजी टू हैंडल होती है, तो ये मोनोग्राम पंच भी बहुत ही ईजिली हो जाते हैं. कोई एडिशनल कोई बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर टैबलेट पे मोनोग्राम पंच किए जा रहे हैं तो दैट इज़ वाई ये जो है ईजी हो जाता है इसको ये सारी ही प्रोसेस अगर टैबलेट है तो. देखिए कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं टैबलेट्स की. तो अभी जैसे हमने पहले भी देखा था कि टैबलेट आर डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट. उस अपनी प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा था कि ओल्ड एज पेशेंट जो बहुत ही ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनको भी डिफ़िकल्टी होती है टैबलेट स्वॉलो करने में, और जो अनकोऑपरेटिव पेशेंट होते हैं उनको भी डिफ़िकल्टी होती है टैबलेट स्वॉलो कराने में. तो इन सब केसेज में टैबलेट ही एक तरह की डिसएडवांटेज है, नहीं दे सकते हैं पेशेंट को. देन सम ड्रग रेजिस्ट कंप्रेशन इन टू डेंस कॉम्पैक्ट ओइंग टू अमॉर्फस नेचर लो डेंसिटी करेक्टर. इसमें देखिए क्या बताया गया है कि कुछ ड्रग जो है बिकॉज जैसे हम देखते हैं कि टैबलेट जो है उसको कंप्रेशन के थ्रू बनाया जाता है जिसमें उसको एक डेंस कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाया जाता है, बट कुछ ड्रग जो है उनके बिकॉज ऑफ उनके अमॉर्फस नेचर लो डेंसिटी करेक्टर के कारण उनको हम डेंस फॉर्म में इस तरह के कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं उसको कंप्रेस कर सकते, तो उस तरह के ड्रग को टैबलेट के फॉर्म में देना डिफिकल्ट होता है. देन ड्रग विथ पुअर वेटिंग स्लो रिजोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन इन GIT मे बी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट और मैन्युफैक्चर एज अ टैबलेट दैट विल स्टिल प्रोवाइड एडिक्वेट और फुल ड्रग बायो अवेलेबिलिटी. तो देखिए कुछ ड्रग होती हैं जिनकी पुअर वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो इजिली अच्छे से वेट नहीं हो पाती हैं, स्लो डिजोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है, और जैसे कुछ ड्रग होती हैं जिनका हमें ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन चाहिए होता है GIT में. तो इस तरह की ड्रग्स जो है उनको टैबलेट फॉर्म में देने से क्या होता है, देखिए अगर हमें ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन चाहिए GIT में तो अगर हम टैबलेट फॉर्म में देंगे तो क्या होता है वो अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म इन सब प्रोसेस के थ्रू जाके वो ब्लड में अब्जॉर्ब होती है. तो इस तरह के टैबलेट जो है वो मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट होता है जो कि स्टिल प्रोवाइड कर सके एडिक्वेट और फुल ड्रग बायो अवेलेबिलिटी. तो फुल ड्रग बायो अवेलेबिलिटी टैबलेट्स जब दी जाती हैं तो उसमें नहीं अचीव की जाती है बिकॉज उस टैबलेट जो है उसका डिग्रेडेशन होता है अलग अलग स्टेप्स पे. तो इन तरह के ड्रग जो है उनको टैबलेट के फॉर्म में देना डिफिकल्ट होता है. देन बिटर टेस्टिंग ड्रग विद एन ऑब्जेक्शनेबल ओडर और ड्रग दैट आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन मे रिक्वायर्ड एनकैप्सुलेशन और कोटिंग. तो इस तरह के ड्रग जो होती है उनको देखिए एनकैप्सुलेशन या कोटिंग प्रोसेस जो है उसकी ज़रूरत होती है. सो इसमें बताया गया है कि इन सच केसेस कैप्सूल में ऑफर द बेस्ट एंड लोएस्ट कॉस्ट. तो इस केस में क्या होता है कि ये इस तरह की ड्रग जो होती है उनको कैप्सूल के फॉर्म में दे देने से वो बेस्ट भी रहता है, उनकी कॉस्ट भी लोअर होती है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थी टैबलेट्स की. देखिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट्स. देखिए सबसे पहले कैटेगरी आती है टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली. तो उसमें कौन कौन सी टैबलेट्स आती हैं देखिए, सबसे पहले होती है कंप्रेस टैबलेट जिसमें पैरासीटामोल टैबलेट जिसका एग्जांपल आप जानते हैं. देन मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं, रिपीट एक्शन टैबलेट्स होती हैं, डिलेड रिलीज टैबलेट जिसमें एंटेरिक कोटेड बिसाकोडिल टैबलेट्स का एग्जाम्पल है, देन शुगर कोटेड टैबलेट होती हैं जिसमें मल्टी वाइटामिन टैबलेट दी जाती हैं, फिल्म कोटेड टैबलेट्स जिसमें मेट्रोनिडाजोल टैबलेट दी जाती हैं, एंड च्यूएबल टैबलेट जिसमें एंटासिड टैबलेट दी जाती हैं. तो ये सारी टैबलेट्स क्या हैं, टैबलेट इंजेस्टेड ओरली जो कि ओरली दी जाती हैं. देन टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटीज़ में देखिए जो ये इसमें ऐसे टैबलेट्स आती हैं जो कि कैविटीज़ में दी जाती हैं ओरल फॉर्म से. इसमें देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, बक्कल टैबलेट आती हैं देखिए, वाइटामिन सी टैबलेट बक्कल जो कि बक्कल कैविटी में डाली
जाती है, सबलिंगुअल टैबलेट जो कि अंडर द टंग डाली जाती है, जिसमें विक्स एंड मैंथोल टैबलेट आती है, ये सारी हम डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड पे। ट्रॉचिज एंड लोजेंजेस होते हैं एंड डेंटल कोन होती हैं। तो ये देखिए, ये ओरल ये टैबलेट जो इंजेस्ट की जाती हैं ओरली, और ये टैबलेट होती हैं जो कि ओरल कैविटीज़ में डाली जाती हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है। नाउ देखिए, टाइप थ्री एंड टाइप फोर देख लेते हैं। टाइप सी में होते हैं टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट, जो कि अदर रूट से ली जाती हैं अदर देन ओरल रूट, जिसमें आती है इम्प्लांटेशन टैबलेट एंड वेजाइनल टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट में एग्जांपल दिया हुआ है आपको कोट्रेमाजोल टैबलेट का। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी होती है टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। तो इसमें आती है देखिए एफरवेसेंट टैबलेट, जिसमें डिस्प्रिन टैबलेट का एग्जाम्पल हम जानते हैं एस्प्रिन। देन डिस्पेंसिंग टैबलेट, जिसमें एंजाइम टैबलेट डीजीप्लेक्स का एग्जाम्पल है। देन हाइपोडर्मिक टैबलेट एंड टैबलेट ट्रिचुरेट्स। टैबलेट ट्रिचुरेट्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है एंजाइम टैबलेट का, डीजीप्लेक्स का। तो इन सभी के बारे में अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं, अपने एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से। ना सबसे पहले देखते हैं, देखिए टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले कंप्रेस टैबलेट अभी हमने देखा था क्या होती हैं कंप्रेस टैबलेट। देखिए इस फॉर्म की, इस तरह की दिखती हैं। दीज आर अनकोटेड टैबलेट मेड बाय कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो ये एक तरह की अनकोटेड टैबलेट होती है, किसी तरह की कोटिंग नहीं की जाती इन पे, जो कि बनती है कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल को कंप्रेस करके बनाई जाती हैं। दीज प्रोवाइड रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज। इस तरह के टैबलेट जो है वो रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड ड्रग रिलीज प्रोवाइड करती हैं, बिकॉज किसी तरह की कोटिंग नहीं की जाती है उन पे। एग्जांपल है हमारे पैरासीटामोल टैबलेट, तो ये कंप्रेस टैबलेट थी। नाउ देख लेते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट क्या होती हैं, इस तरह के दिखते हैं। देखिए मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट, दीज टैबलेट आर प्रिपेयर्ड टू सेपरेट फिजिकली और केमिकली इनकम्पैटिबल इन्ग्रीडियंट्स और टू प्रोड्यूस रिपीट एक्शन और प्रोलॉन्ग एक्शन प्रोडक्ट। तो इस तरह के देखिए टैबलेट प्रिपेयर की जाती हैं, या तो जो जो इन्ग्रीडियंट जो है वो फिजिकली या केमिकली कंपैटिबल नहीं है, तो उनको अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में दे दिया जाता है। ये कोर मटेरियल होता है देखिए बीच में, देन उस पर लेयरिंग कर दी जाती है इस तरह की, जो फिजिकली एंड केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट होती है उनकी, ताकि जो इसका एक्शन जो है उसको सस्टेन किया जा सके, या अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्शन या रिपीट एक्शन ड्रग की फॉर्म में हमें ड्रग को देना है, तब भी इस फॉर्म में दी जाती है, जिसमें यह हर एक लेयर जो है ये धीरे धीरे करके डिजॉल्व होती है पेशेंट की बॉडी में जाती है। तो हर एक लेयर जो है उसका वो अलग अलग टाइम पे डिजॉल्व होती है और एक्शन प्रोड्यूस करती है पेशेंट की बॉडी में। द इंग्रेडिएंट ऑफ द फॉर्मुलेशन आर कंप्रेस्ड इनटू द कोर टैबलेट एंड द इनकम्पैटिबल सब्सटेंस विद अदर एक्सिपिएंट आर कंप्रेस्ड ओवर द प्रीवियसली कंप्रेस्ड कोर टैबलेट। तो इसमें यही बताया गया है, देखिए कोर टैबलेट होती है उसके ऊपर जो इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट होते हैं उनको कंप्रेस किया जाता है, ताकि और ये देन ये पूरी डोसेज फॉर्म जो है ये पेशेंट को दी जाती है। तो इस तरह से काम करती है देखिए मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट, कंप्रेस टैबलेट एंड मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट में। आई होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस ना। और एग्जांपल देखते देखिए, फिर आती है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। तो सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट क्या होते हैं, देखिए दीज टैबलेट्स व्हेन टेकन ओरली रिलीज द मेडिकमेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड टू मेंटेन मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। तो देखिए सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट में इस तरह के टैबलेट होती हैं, ये सस्टेन्ड रिलीज कोर होता है, देन उसके ऊपर फिल्म कोटिंग की जाती है। क्या होता है देखिए, ये इस तरह के टैबलेट बनाई जाती हैं ताकि जब भी ड्रग पेशेंट के बॉडी में रिक्वायर्ड है तभी ड्रग जो है वो रिलीज हो। ये कोटिंग डिजॉल्व होती है एट सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम पे, और कोटिंग जिस ड्रग पे कोटिंग की जाती है वो ड्रग देन डिजॉल्व होती है, रिलीज होती है पेशेंट की बॉडी में। इस तरह का एक्शन क्यों चाहिए होता है, टू मेंटेन द मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड। तो सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट प्रिपेयर की जाती है। फिर इसके बाद है देखिए एंटेरिक कोटेड टैबलेट। क्या होती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट, दीज टैबलेट आर कोटेड विद द मटेरियल विच डज नॉट डिसइंटीग्रेट इन स्टमक बट पासिस थ्रू एज इट इज। तो इस तरह की टैबलेट एंटेरिक कोटेड टैबलेट ऐसी टैबलेट होती हैं जो कि स्टमक में डिजॉल्व नहीं होती, स्टमक से एज इट इज पास हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस पर एंटेरिक पॉलीमर जो है उसकी कोटिंग की जाती है हाइड्रोक्सी प्रिपाइल मिथाइल सेलुलोज फैथलेट की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज़ की कोटिंग की जाती है। तो ये जो है कोटिंग ये स्टमक में डिजॉल्व नहीं होती, स्टमक में इंटैक्ट रहती है।
है, बट दीज टैबलेट डिजॉल्व इन इंटेस्टाइन एंड आर साइट स्पेसिफिक। तो ये देखिए स्टमक में रिलीज नहीं हुई, एंटेरिक कोटेड पैलेट जो है उसकी फॉर्म में ये डिसइंटीग्रेट हुई, बट ये रिलीज नहीं हुई देखिए स्टमक में, बट जैसे ही ये इंटेस्टाइन में जाती है तो ये क्या है, ये रिलीज हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये इस तरह के टैबलेट को कहते हैं हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स। अब देखिए देख लेते हैं और शुगर कोटेड टैबलेट, तो शुगर कोटेड टैबलेट देखिए इस तरह की होती हैं, क्या होती हैं, द कंप्रेस टैबलेट विद शुगर कोटिंग आर कॉल्ड अ शुगर कोटेड टैबलेट। तो कंप्रेस टैबलेट जो हमने देखी थी उन पे जब शुगर कोटिंग कर दी जाती है उनको, तो उनको हम शुगर कोटेड टैबलेट कहते हैं। क्यों की जाती है, देखिए शुगर कोटिंग इट इज़ डन टू मास्क द बिटर एंड अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ऑडर ऑफ द मेडिकामेंट। तो मेडिकामेंट का जो बिटर टेस्ट एंड ऑडर है उसको मास्क करने के लिए शुगर कोटिंग की जाती है। इट एनहांसेस द अपेयरेंस एंड प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम एटमोस्फेरिक इफेक्ट। तो ये जो है ये टैबलेट की अपेयरेंस को भी इन्हांस करती है और टैबलेट को एटमोस्फेरिक इफेक्ट जो है उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखती है। एग्जाम्पल है मल्टी वाइटामिन टैबलेट, तो ये देखिए शुगर कोटेड टैबलेट हो गए। नाउ फिल्म कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट देखिए इस तरह की होती है। फिल्म कोटेड टैबलेट क्या होती हैं, दीज आर कंप्रेस टैबलेट हैविंग अ फिल्म कोटिंग ऑफ फिल्म कोटिंग पॉलीमर लाइक हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, HPMC। तो देखिए ये भी कंप्रेस टैबलेट होती हैं जिन पे फिल्म कोटिंग की जाती है। कौन से मटेरियल की फिल्म कोटिंग की जाती है, कौन से कोटिंग पॉलीमर की, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज एंड HPMC की कोटिंग की जाती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फॉर्मुला फ्रॉम एटमोस्फेरिक इफेक्ट, बिकॉज देखिए इस पर कोटिंग की गई है तो किसी तरह के एटमोस्फेरिक इफेक्ट से भी ये प्रोटेक्ट करती है मेडिकेशन को। दीज आर टेस्टलेस, हैव इंक्रीज इन टैबलेट वेट एंड हैव लेस एलिगेंट। मीन्स क्या है, देखिए इसमें बताया गया है टेस्टलेस होती हैं, टैबलेट का वेट जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि किसी भी तरह की चाहे वो शुगर कोटिंग हो चाहे वो फिल्म कोटिंग हो वो टैबलेट के वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं। एंड हैव लेस एलिगेंट मीन्स शुगर कोटेड टैबलेट जो है उसके कंपेरिजन में ये लेस एलिगेंट होती हैं। एग्जाम्पल होता है इसका, एग्जाम्पल है इसका मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। देखिए लास्ट देख लेते हैं टैबलेट इंजेस्टेड ओरली में, च्यूएबल टैबलेट क्या होती है, देखिए दीज टैबलेट आर च्यूड इन माउथ एंड आर ब्रोकन इन स्मॉल पीसेस। तो जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये टैबलेट जो है ये च्यू कर ली जाती है माउथ में, स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर ली जाती है माउथ में ही। दैट इज़ वाई क्या होता है, देखिए इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है, द डिसइंटीग्रेशन टाइम इज रिड्यूस्ड एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। और इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकॉज ये माउथ में ही च्यू कर ली गई है तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल है एसिड टैबलेट्स। देखिए सेकेंड कैटेगरी आ गई टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटीज़ में यूज़ की जाती हैं। इसमें सबसे पहले आया है देखिए हमारी बक्कल टैबलेट, क्या होती है देखिए बक्कल टैबलेट, दीज टैबलेट्स आर टू बी प्लेस्ड इन बक्कल पाउचेस। तो बक्कल पाउच देखिए इसे कहते हैं, तो इस तरह की टैबलेट बक्कल पाउच में रखी जाती हैं और बिटवीन द गम एंड लिप और चीक। तो देखिए इस कैविटी को हम कहते हैं बक्कल कैविटी, जहाँ पर बक्कल टैबलेट्स को रखा जाता है। यहाँ से टैबलेट डिजॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट स्लोली एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली। तो इस स्पेस क्या होता है कि टैबलेट जो है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होती है एंड उसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्रॉम बक्कल कैविटी। तो इस तरह की टैबलेट होती है बक्कल टैबलेट। देन फिर आती है सबलिंगुअल टैबलेट, देखिए सबलिंगुअल टैबलेट में क्या होते हैं, इसको यहाँ रखा जाता है अंडर द टंग, दिस टैबलेट आर टू बी प्लेस्ड अंडर द टंग, देखिए इस रीजन में रखा जाता है। दे डिजॉल्व एंड डिसइंटीग्रेट क्विकली एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली विदाउट पासिंग इन टू GIT। तो यहाँ इस कैविटी से सबलिंगुअल कैविटी में डाल के क्या होता है कि इनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही क्विकली होता है और इनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, GIT को ये बाईपास कर देती हैं, GIT के थ्रू नहीं पास होती हैं। फिर देखिए बताया गया है कि बक्कल एंड सबलिंगुअल टैबलेट शुड बी फॉर्मुलेटेड विद ब्लेंड एक्सीपिएंट्स विच डू नॉट स्टिमुलेट सलाइवेशन। तो देखिए इस ये दोनों ही तरह के टैबलेट जो है इनमें इस तरह के एक्सीपिएंट यूज़ किए जाने चाहिए जो कि सलाइवेशन जो है, सलाइवा फॉर्मेशन जो है उसको इंक्रीज ना करें, सलाइवा जो है वो कम से कम बने, ताकि ड्रग जो है, ताकि टैबलेट जो है उसका एक्शन जो है वो मैक्सिमम मिल सके पेशेंट को। तो इस तरह के एक्सीपिएंट से, ब्लेंड एक्सीपिएंट जो है उनसे इस तरह के टैबलेट जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ना देखिए आते हैं टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी में, नाउ लोजेंजेस टैबलेट एंड ट्रॉचेस। बहुत बार सुना होगा आपने इनके बारे में, लोजेंजेस टैबलेट के बारे में, क्या होती हैं देखिए, दीज टैबलेट आर डिजाइन टू एक्सर्ट अ लोकल इफेक्ट ऑन माउथ एंड थ्रोट। तो इस तरह के टैबलेट जो है ये एक तरह का लोकल इफेक्ट शो करती है माउथ एंड थ्रोट में, इस तरह के टैबलेट का किसी तरह का इंटरनल इफेक्ट नहीं होता है। दीज टैबलेट्स आर यूजुअली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट एंड कंट्रोल कफिंग। तो जो सोर थ्रोट एंड कफिंग जो है उसके ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है इन तरह की टैबलेट्स को. द टैबलेट आर यूजुअली यूजेस एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, डिमल्स एंड एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीटसिव एजेंट्स. तो इस तरह की टैबलेट जो है उसमें बेसिकली क्या क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, डिमल्सन प्रॉपर्टी होती है उसकी, एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीटसिव एजेंट्स. तो इस तरह के टैबलेट्स में ये सारे ही एजेंट्स हो सकते हैं. किसी किसी रेशियोज़ में डिमल्सन क्या होते थे, ये डिमल्सन ऐसे एजेंट होते हैं जो कि म्यूकस मैम्ब्रेन पे अपने एक प्रोटेक्टिव कोटिंग कर लेते हैं ताकि म्यूकस मैम्ब्रेन जो है उसको वो सूद हो सके, सूदिंग हो सके उसमें. लोजेंजेस आर अर्लियर कॉल्ड एज पेस्टलीज. तो इसमें आपको बताया गया है कि लोजेंजेस को पहले क्या कहा जाता था, तो लोजेंजेस को अर्लियर पेस्टलीज कहा जाता था. ना देखिए लास्ट आती है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटीज़ में, डेंटल कोन्स. क्या होते हैं डेंटल कोन, देखिए दीज आर रिलेटिवली माइनर कंप्रेस टैबलेट मेंट फॉर प्लेसिंग दैम इन द एम्प्टी सॉकेट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन. तो जब देखिए टूथ एक्सट्रैक्शन किया जाता है तो इस तरह के डेंटल कोन देखिए इस तरह के होते हैं. इनको यूज़ किया जाता है इन कैविटीज़ में फिल करने के लिए. अलग अलग कारणों से इस कैविटी में फिल किया जाता है वो अभी हम आगे देखते हैं. यूजुअली दिस टैबलेट कंटेन एन एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड विच रिलीज स्लोली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो यूजुअली इस तरह के टैबलेट जो है इस ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं इसमें, जो कि इस एरिया में रिलीज होकर किसी भी तरह का जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको प्रिवेंट करें जो एम्प्टी सॉकेट है उसमें. दीज टैबलेट्स मे कंटेन एन एस्ट्रिंजेंट और कोएगुलेंट टू रिड्यूस ब्लीडिंग. तो इन तरह के टैबलेट में एस्ट्रिंजेंट या कोएगुलेंट भी हो सकता है जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो कम से कम हो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद. द बेस ऑफ दिस टाइप इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और इट मे बी अमाइंस एसिड. तो इसके बेस में क्या होता है इस तरह के टैबलेट में, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमाइंस एसिड हो सकते हैं इसके बेस में. दीज कोन्स जनरली गेट डिजोल्व इन 20 to 40 मिनट टाइम. तो कितना टाइम लगता है इनको डिजोल्व होने में, तो 20 to 40 मिनट्स लगते हैं इनको डिजोल्व होने में. तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं डेंटल कोन्स. ना देखिए थर्ड कैटेगरी आती है टैबलेट एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट. तो इसमें फर्स्ट आती है देखिए इम्प्लांटेशन टैबलेट. क्या होती है इम्प्लांटेशन टैबलेट, दीज टैबलेट्स आर प्लेस्ड बिलो द स्किन और इंसर्टेड सबक्यूटेनियसली बाय मीन्स ऑफ माइनर सर्जिकल ऑपरेशन एंड आर स्लोली एब्जॉर्ब. तो देखिए माइनर सर्जिकल ऑपरेशन जो है उसके थ्रू इनको स्किन के बिलो द स्किन जो है उनको इंसर्ट किया जाता है ताकि वहाँ से ये स्लोली रिलीज हो सके, स्लोली एब्जॉर्ब हो सके. दीज मस्ट बी स्टराइल एंड मेड बाय हैवली कंप्रेस्ड इन्फ्यूजन. तो ये टैबलेट जो है ये स्टराइल होती है बिकॉज इसको स्किन के अंदर डाला जा रहा है तो स्टराइल फॉर्म में होनी चाहिए एंड हैवी कंप्रेशन एंड फ्यूजन से बनी होती है इस तरह की टैबलेट. जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन टैबलेट जो है उनको दिया जाता है बाय मीन्स ऑफ इम्प्लांटेशन. देन फिर आती है वेजाइनल टैबलेट. वेजाइनल टैबलेट में क्या होता है, देखिए दीज टैबलेट्स आर मेंट टू डिजॉल्व स्लोली इन वेजाइनल कैविटी. तो इनको वेजाइनल कैविटी में डाला जाता है जहाँ से ये स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं. दीज आर ओवियोइड और पियर शेप टैबलेट होती है एंड आर यूज to release steroids, antibacterial, antiseptic agents, etc. to avoid infection. तो इसमें example है cotrimazole tablet. तो ये जो है इसमें क्या क्या दिया जाता है, देखिए steroids, antibacterial and antiseptic agents दिए जाते हैं. So next देखते हैं, ना देखिए फाइनल कैटेगरी देख लेते हैं टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, जिसमें हमारी फर्स्ट जगह आती है एफरवेसेंट टैबलेट. क्या होती है एफरवेसेंट टैबलेट, दिस टैबलेट व्हेन एडेड इन वाटर प्रोड्यूस एफरवेसेंस. तो इन तरह के टैबलेट को जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये एफरवेसेंस प्रोड्यूस करती हैं. सो दे डिजॉल्व रैपिडली इन वाटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन अल्काली बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड और टर्ट्रिक एसिड. तो देखिए जब भी जैसे ही इनको वाटर में डाला जाता है तो ये क्विकली डिजॉल्व होने लगती है वाटर में, क्योंकि वाटर और इसके अंदर जो एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड टर्ट्रिक एसिड उनका आपस में रिएक्शन होता है दैट इज़ वाई वो एफरवेसेंट शो करती हैं एंड ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होने लगती हैं वाटर में. दीज टैबलेट्स आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमोस्फेरिक मॉइस्चर ड्यूरिंग स्टोरेज. तो देखिए स्टोरेज के दौरान भी इसको एटमोस्फेरिक मॉइस्चर जो है उसे प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि इस तरह का रिएक्शन जो है वो ना हो पाए ड्यूरिंग स्टोरेज. तो इसको इन वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है स्टोरेज के दौरान. एग्जाम्पल में हमारा है डिस्प्रिन टैबलेट, एस्पिरिन होता है जिसमें, तो ये एक तरह की एफरवेसेंट टैबलेट होती है. नाउ देखिए हमारी टैबलेट यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन कैटेगरी में सेकंड रखा आती है डिस्पेंसिंग टैबलेट्स. क्या होती है देखिए डिस्पेंसिंग टैबलेट्स,
तो दीज टैबलेट्स आर इंटेंडेड टू बी एडेड टू अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन कंसेंट्रेशन। तो देखिए इस तरह के टैबलेट जो है इनको क्या किया जाता है, इनको वाटर में, इनको एज इट इज़ नहीं लिया जाता है, इनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है जिससे कि एक सॉल्यूशन बन पाए, एक डिजायर्ड कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया किया जा सके। तो दैट इज़ वाई इसको डिस्पेंसिंग टैबलेट कहा जाता है, जिसको वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाया जाता है डिजायर कंसेंट्रेशन का। द मेडिकामेंट गिवन आर सिल्वर प्रोटीनेट एंड क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स। तो इस तरह के मेडिकामेंट जो है वो दिए जाते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट्स के फॉर्म में। ना देखिए क्या है, दीज आर हाईली टॉक्सिक इफ टेकन ओरली एंड ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एग्जाम्पल है हमारा एंजाइम टैबलेट डिजीप्लेक्स। तो देखिए क्या होता है इसमें, क्यों बोला गया है कि ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन इन पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बिकॉज अगर इनको एज इट इज़ ले लिया गया तो ये हाईली टॉक्सिक होती हैं, एज इट इज़ लेने के लिए नहीं होती हैं। इनको सॉल्यूशन फॉर्म जो है उसमें प्रिपेयर करके लिया जाता है, एक डिजायर कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन बना के। दैट इज़ वाई इनके पैकेजिंग एंड लेबलिंग पे ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इसको कितने अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है एक डिजायर्ड सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म करने के लिए। तो इस फॉर्म में दिए जाती है हमारी डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। ना देखिए टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन में थर्ड आती है हाइपोडर्मिक टैबलेट। क्या होती है देखिए हाइपोडर्मिक टैबलेट, दीज आर कंप्रेस टैबलेट विच आर कंपोज ऑफ वन और मोर ड्रग। दीज टैबलेट्स आर डिजोल्व इन स्टेराइल वाटर एंड एडमिनिस्टर पैरेंटरली। तो देखिए इसको, ये इस तरह के टैबलेट्स होती हैं जो कि जिनमें एक या उससे ज़्यादा ड्रग प्रेजेंट हो सकती है। क्यों उनको प्रिपेयर किया जाता है, देखिए हाइपोडर्मिक टैबलेट का क्या यूज़ होता है, बेसिकली दीज टैबलेट आर डिजोल्व इन स्टेराइल वाटर, जो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता है इसको में डिजोल्व किया जाता है और पेरेंट्रल रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट में। तो उस तरह के टैबलेट को हम हाइपोडर्मिक टैबलेट कहते हैं। देन लास्ट आती है देखिए टैबलेट ट्रिचुरेट्स। क्या होते हैं टैबलेट ट्रिचुरेट्स, दीज आर स्मॉल सिलेंड्रिकल मोल्डेड और कंप्रेस टैबलेट विच कंटेन अ पोटेंट मेडिकामेंट विद अ डाइल्यूएंट। तो देखिए इस तरह के टैबलेट ट्रिचुरेट होते हैं जो कि स्मॉल स्मॉल टैबलेट होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है ये, ऑन स्मॉल स्केल हैंड ऑपरेटेड, वेयर एज फॉर बल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटेड मशीन्स आर यूज। तो स्मॉल स्केल पे इसको हैंड ऑपरेट कर लिया जाता है, बट बेसिकली बल्क प्रोडक्शन में ऑटोमेटिक मशीन्स यूज की जाती हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था एंजाइम टैबलेट जैसे डीजीप्लेक्स, जो हमने अभी प्रीवियसली अभी एग्जाम्पल देखा था, तो वो भी टैबलेट, वो भी एक तरह की टैबलेट ट्रिचुरेट है बिकॉज वो इस तरह की शेप की होती है। तो ये थी हमारे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 15.2, जिसमें हम देख लेंगे टैबलेट एक्सीपिएंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।